हेलो, मैं आप लोगों के साथ वैसे टाइप से निकल सोफे हैं उनको है कि यहाँ पर एक कपड़े हैं, कपड़े को जाती हैं और लूंगी, लेकिन चाहे बच्चे हम खत्म कर लूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे वो दस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं लेकर आई हूँ आप सभी के साथ में आज सोफा क्लीनिंग का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, और आज जो भी मैं करने वाली हूँ उस चीज़ का पूरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आगे आप लोगों को और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूं कि यहां पर जैसे ही मैंने सोफा कवर को हटाया तो उसमें से मुझे देखने को मिले दो कॉकरोच। तो कॉकरोच से मुझे डर लगता है, क्योंकि ना अजीब से, वो तो मतलब वैसे टाइप से डर नहीं लगता, लेकिन उनसे जो एक बैड स्मेल वैसी आती है ना, वो उस टाइप से मुझे वो बहुत ही बुरे लगते हैं, और अजीब सा लगता है उनको देखते ही ना, मन में अजीब सी चीज़ें होने लगती है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है कॉकरोच, इसलिए मुझे उससे ना डर लगता है। तो इसमें छोटे छोटे से दो कॉकरोच मुझे दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे ना झाड़ू मिल जाए तो झाड़ू से मैं यहाँ पर इसको हटा दूँगी, लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखा तो मुझे वहाँ झाड़ू नहीं मिली। फिर मैंने अंदर जाके देखा बालकनी में, तो बालकनी में वहाँ पर झाड़ू रखी थी, फटाफट से मैं गई और वहाँ से झाड़ू से लेकर आई और उन दोनों कॉकरोच को मैंने भगाया। पता नहीं कैसे निकल के आ गया, उसमें दिख समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन कल बच्चे ना इसमें खा रहे थे तो चीज़ें खाई थी, तो वो साइड से ना निकल गई थी। फिर उसमें निकालना, हो सकता है कि उसकी वजह से उसमें पहुँच गई हों, तो ऐसा हो जाता है। वैसे तो कॉकरोच मैंने नहीं देखा है और ना ही यहाँ पर है, तो इसलिए होता नहीं। तो बस मैंने यहाँ पर ना झाड़ू से उसको ऐसे साफ कर दिया था। साफ करने के बाद में जो भी इसके कवर्स वगैरह थे वो मैंने ना डस्टिंग इसकी हला दी थी। साफ करने के बाद में फिर से मैं यहाँ पर इसको बिछा देती हूँ, तो सारे जो सोफे हैं उनको मैं ऐसे ही करके इसको साफ कर दूंगी, और बेडशीट वगैरह जो इसकी है वो भी मुझे चेंज करनी है। तो मैंने ना इसका सोफा जो कवर है वो निकाल दिया है, और मैंने उसका जो पिलो है वो भी मैंने रख दिया है। तो सामने जो यहाँ पर एलईडी है, एलईडी के नीचे ही यहाँ पर दो सोफे रखे हुए, तो मतलब बाहर वाले जो हॉल है, हॉल में यहाँ पर अपना एक टीवी लगा हुआ है और यहाँ पर बेड बिछा हुआ है, साथ में यहाँ पर सोफे वगैरह है और एक कारपेट नीचे बिछी हुई। तो मतलब इतना बड़ा हॉल है कि यहाँ पर एक डबल बेड का साइज का आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, प्लस यहाँ पर सोफे आ सकते हैं, और बाकी की भी यहाँ पर इतनी सारी जगह बच जाती है बहुत, कि यहाँ पर दो फोल्डिंग और एक्स्ट्रा आ जाए, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर। उसी के पास में यहाँ पर जो किचन है वो किचन बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर ना मेरा इसी को डस्टिंग को साफ करते करते ही मेरा जो नेल्स है, नेल्स में क्रैक आ गया। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ, मेरा हमेशा काम करते ही समय मेरा नेल्स जो है वो क्रैक हुआ है, टूटता है, वरना मेरा नेल्स ने कभी नहीं टूटे। कभी कपड़े वगैरह धोने में भी मेरे नहीं टूटते हैं, या फिर साफ सफाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा टूटा, या फिर जैसे कि मैं कुछ कपड़े हैं, कपड़े को पहनना होता है ना, पहनते टाइम भी जैसे आप सर में उसको गले को डालते हैं, तो उस टाइम भी मेरा काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरा नेल्स जो है वहाँ से टूटा है। तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। फिर पता है कि उस पर ही ध्यान जाता है, मतलब उसको फिंगर जाती है कि उसको या तो नेल्स को कट कर दो, या फिर ना धीरे 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 मेरा क्या है कि उसको देखती रहूंगी जब तक वो नहीं निकलेगा। जितना यहाँ पर उसको मतलब कि क्रैक हुआ है जहाँ से वो टूटा है, उतना मैं यहाँ पर नहीं इसको निकाल दूंगी जब तक मेरा ध्यान सारा उस पर ही रहता है। कभी कभी तो मैं क्या करती थी कि अपने माउथ से उसको निकाली थी, लेकिन मैं माउथ से नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी एक दो बार ना जो नेल्स है, नेल्स कभी कभी क्या है थोड़ा बहुत उसमें फंस जाता है टीथ में, तो वो बड़ा फिर उसमें बहुत मुझे दिक्कत होती, मतलब आलस टाइप से आता था जब तक वो निकल नहीं जाता। तो मैं अब वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, बिल्कुल भी नेल्स को अपने माउथ में नहीं देती। तो मैं हमेशा यही है कि अपना नेल कटर से ही उसको कट कर देती हूँ जितना भी वहाँ पर से वो निकला है। तो फ्रेंड्स, बस यही सारी चीज़ें ना कभी कभी हो जाती हैं और वो मुझे बहुत बुरी, नेल्स इतना मेहनत से मैं बढ़ाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नेल्स, मतलब लंबी लंबी रहना, उस पर नेल पेंट लगाना, आर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यही है ना कि साफ़ सफाई और सारी चीज़ें रहती हैं, उसकी वजह से नेल्स मेरा इतना नहीं रह पाता
जितना भी मैं मेहनत करती हूँ, इतने मेरे बड़े बड़े हो पाते हैं, उतना टाइम में वो इतनी जल्दी चला भी जाता है। तो फ्रेंड्स अभी क्या कर सकते, इतने ये होता ही रहता है क्योंकि घर का काम है तो काम भी करना पड़ेगा, अब काम कौन करेगा। तो मैं यहाँ पर ना इसकी जो बेडशीट है वो भी मैंने डस्टिंग इसकी हला दी थी साफ करने के बाद में। मैंने जो बेडशीट है क्योंकि ना अभी दो दिन पहले ही इसको बिछाया था, तो बस इसकी साफ़ करने के बाद में मैं फिर से इसको बंद यहीं पर बिछा देती हूँ। और बिछाने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि जो चार कोने होते हैं उनको आप इसको फोल्ड कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैं ना ठीक से उसको जब तक मेरा नहीं निकाल दूँगी, मैं सोची कि पहले काम कर लूँ, काम करने के बाद में उस नेल्स को मैं काटूँगी, लेकिन जब तक तो मेरे माउथ में वो ना जाता रहेगा। तो मैं यहाँ पर ना जो कोने हैं उनको थोक बांध के इसमें कर देती हूँ। और इसके बाद मैं चारों तरफ से इनको ना जब कोने कॉर्नर जो है उसके दबा के कर देंगे तो बेडशीट बिल्कुल भी नहीं इधर उधर तस्मस बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे बच्चे खेलें कुछ भी करो, बेडशीट आपकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, जिससे कि यह कि आपको फिर से बिछानी पड़ेगी, सरक जाती है। बहुत लोगों की ऐसा होता है कि बेडशीट ना बिछाते हैं, बच्चे खेलते हैं या फिर इधर उधर सरकते हैं तो बेडशीट सरक जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो दिन तीन दिन सेम आपको ऐसी ही मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग में जो सोके उठे थे फिर ना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद में ही सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ अपना काम कर लेती हूँ, और जो वीडियो शूट कर रही वो सिस्टर कर रही, तो बस उनसे बातें कर रही थी, वो बातें कर रही थी तो उसका तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि अपनी ये बातें होती हैं, तो उस चीज़ को मैंने म्यूट कर दिया था। तो मतलब यही है कि हंसी मजाक अपना चलता रहता है तो मैं अपना मन लगा रहता है, वरना ये है कि अपना चुपचाप से अपना काम करते रहो वो भी बोरिंग सा लगता है। तो बस मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट से आज काम ख़त्म कर लूँ, और काम ख़त्म करने का जितना जल्दी काम खत्म हो जाता है, कितना भी सोचूं मैं काम जल्दी ख़त्म करने के लिए, काम वही है कि हाँ 12-1 तो बज ही जाता है, इससे पहले काम फिनिश होता ही नहीं है कुछ भी कर लो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका लिंक आप लोगों को इस चैनल के अबाउट में जाकर मिल जाएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों पर आपको मैं मिलूंगी, वहां पर एक्टिव, तो आप लोग वहां पर फेस कर सकते हैं। वहां पर रील्स आपको कॉमेडी की रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी, पोस्ट मिलेंगी, सेम वैसे ही आपको फेसबुक पर भी पोस्ट मिलेंगी, व्लॉग्स मिलेंगे, रील्स मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
तो सफाई मेरी यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, दोनों बेड की मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, तो और यहाँ पर ना किचन का भी मैंने काम खत्म कर दिया है। झाड़ू मैंने अंदर से और बाहर तक सारा लगा दिया है। बालकनी में सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं यहाँ पर पॉलीथीन में रख देती हूँ, तो वो डस्टबिन में बाहर रखा हुआ है, तो डस्टबिन में ये सारा कूड़ा बाहर पड़ जाएगा। और अब रहा है मेरा सिर्फ पोछा लगाने का काम। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ में इसके नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।